मछली कारोबारी से लूटपाट मामले में लगातार एक के बाद एक छापेमारी कर बिहार व मधुपुर के अलग अलग ठिकानों से चार अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, आपको बता दें कि बीते 13 मार्च की संध्या को मार्गो मुंडा थाना अंतर्गत केराकुंडली जंगल के पास से जसीडी कटोरिया बेलहर आदि जगहों से मछली सप्लाई कर उसका बकाया पैसा वसूली कर लौट रहे वाहन चालक एवं मुंशी से अपराधियों ने 10,61,400 रुपए लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। वहीं देवघर पुलिस कप्तान धनंजय कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धीरेन्द्र नारायण बंका के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा छापेमारी कर 72 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन कर गुरुवार को चार अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्हीं अपराधियों की निशानदेही पर शुक्रवार को अपराध में शामिल अन्य चार अपराधी में मास्टर माइंड प्रशांत सिंह मुंगेर जिला अंतर्गत मिल्की गांव का निवासी है, जबकि राहुल सिंह इसी गांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि इसके अलावा खुशीलाल ताती बिहार प्रांत के जिला भागलपुर की कहलगांव निवासी व मनोज रजवार मधुपुर मीना बाजार निवासी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से लूट के 1,22,760 रुपए, 5 मोबाइल व 1 स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया है। इस संबंध में मधुपुर SDPO विनोद रवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देवघर पुलिस कप्तान के निर्देश पर गठित टीम के द्वारा इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया। इस कांड में संलिप्त मास्टरमाइंड प्रशांत सिंह मुंगेर जिला अंतर्गत मिल्की गांव निवासी हैं, जिनका कई आपराधिक मामला रह चुका है और ये अंतर्राज्य गिरोह के सरगना से जुड़ा है। इसके पकड़े जाने से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापेमारी टीम में सारठ SDPO धीरेन्द्र नारायण बंका, सदर SDPO पवन कुमार, अंचल पुलिस निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिंह, इंस्पेक्टर इंचार्ज सह थाना प्रभारी मधुपुर रामदयाल मुंडा, मार्गो मुंडा थाना अमरेंद्र अनुरंजन समद, जसीडी थाना प्रभार विक्रम प्रताप सिंह, बुढ़ई थाना प्रभारी जीशान अख्तर, पथरौल थाना प्रभारी मनीष कुमार, मधुपुर थाना सब इंस्पेक्टर धनंजय सिंह आदि पुलिस जवान शामिल थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। विगत दिन चार लोग पकड़ाए थे, तो चार अभी और बचे थे, वो पकड़ा गए। प्रशांत सिंह, राहुल सिंह, खुशीलाल ताती और मनोज रजवार, ये चार लोग कल पकड़ाए हैं और इनसे लूट की रकम 1,23,760 रुपया, यानी कुल 2,55,460 रुपया और एक स्कॉर्पियो वाहन भी बरामद हुई है। साथ में एक मोबाइल फ़ोन का भी जो इन्होंने प्रयोग कर रहे थे वो जब्त किया गया। टीम में ये चूँकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, विदिन 5 दिन में देवघर पुलिस कप्तान के निर्देशानुसार जो टीम बना था, जिसमें SDPO देवघर और सारठ SDPO थे सम्मिलित, और जो थानेदार थे 4-5, जिसमें वो देख रही है कि जसीडी, मार्गो मुंडा, मधुपुर और पुलिस निरीक्षक ये थे। इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? ये अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य रहे, पहले भी कई लूटकांड में ये वांछित रहे हैं, जिसमें प्रशांत सिंह जो है ये बहुत वेटरन है, जिनको पकड़ा गया है, जो देवघर पुलिस में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।